हाँ जी, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लेदर्स। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटी पे अपने टोरंटो डाउनटाउन में डिलीवरी करने, फूड डिलीवरी ऊबर एंड डोरडैश। सो वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्या कमाई रहती है और कितना ये चलता है स्कूटर के, नहीं वर्थ इट है कि नहीं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं इस अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे डिलीवरी करने टोरंटो, और जाके देखते हैं कितनी देर तक चलती है, आज का क्या कोटा रहता है एंड एग्जैक्टली कैसे रहेगा। तो हाँ जी, तो अभी हम खड़े हैं यहाँ बस स्टॉप पे। देखिए ये सड़क है और ये हम बस स्टॉप पे खड़े हैं। ये हमारा बैग है जिसमें हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा है, और ये है हमारा स्कूटर जो हमने फोल्ड कर दिया है। अभी देखते हैं बस आती है और बस वाले हमें इसको बस में लोड करने देते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है यहाँ पे ब्रैम्पटन जो ट्रांजिट है खास करके जो कनाडा में, यहाँ पे कई बार इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं वो बस में अलाउड नहीं होते। उनको ये खौफ होता है कहीं बैटरी फट ना जाए, फूट ना जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, तो थोड़े से वो कॉशियस हो जाते हैं, नखरे हो जाते हैं उनके। तो अभी देखते हैं, अगर उन्होंने मुझे एंट्री दिया तो चले जाएँगे, तो वरना वेल एंड गुड, वरना कोई और ज़रिया ढूंढते हैं। चलिए बने रहिएगा वीडियो। अभी हम खड़े हैं माल्टन गो स्टेशन पे। तो अभी देखो, जैसे मेरी ये देख पा रहे हैं आप, जो गाड़ी है वो चार्ज कर रहा हूँ यहीं पे स्टेशन पे लगा के चार्जिंग पे, क्योंकि अभी मैं घर से चला के लेके आया हूँ। और हुआ क्या हाल, मुझे जो बस वालों ने चढ़ने नहीं दिया, कहते जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं अलाउड नहीं होती हैं बस में लेके जाना, तो मुझे दिक्कत आई। अब मैं इसको यहाँ चार्ज करूँगा, अब मैं ट्रेन पकड़ूँगा, वैसे भी मेरे पास बटुआ है नहीं, ट्रेन पकड़ के फिर मैं आगे जाऊँगा। एंड लेट्स सी, जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो सेफ यू, आई थिंक ट्रेन आ गई और मैं चलता हूँ जी। तो अभी हम यहीं पे खड़े हैं, देखिए स्टेशन के बीचों बीच नीचे हॉल में। तो अभी हम जाएंगे ऊपर ट्रेन लेंगे। तो सबसे हैरानी करने वाली बात एक मुझे और दिखी, देखिए जब हम इंडिया में देखते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, कहीं जाते हैं बड़े शहर में, वहाँ पे कैसा गंद वगैरह होता है। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी एक्साइटिंग, आप बड़ी देख के खुश होंगे, वीडियो में देखिएगा, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए, तो ये हम स्टेशन के यहाँ पे खड़े हैं, और ये देखिए आप यहाँ पे गुटके के निशान, मतलब गुटका जिसमें थूक के गिरा हुआ है, मतलब अद्धी होगी, मतलब इतने भी लोग चल रहे हैं, कमाल हो गई। ये देखिए साइकिल मेरी बस चार्ज हो ही नहीं है, थोड़ी चार्ज हो गई, ये स्कूटी और फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, तो अभी मैं बैठा हूँ देखो ट्रेन में, ये पड़ा मेरा स्कूटर, ये मेरा बैग, और अभी हम खा रहे हैं ब्रेड। तो अभी देखते हैं हम इसका घंटा लगेगा पहुँचने को, एंड वहाँ पहुँच के फिर आगे का जर्नी। तो अभी हमने लगा दी है इसको अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को ट्रेन में चार्जिंग पे, और साथ में फ़ोन। ये देखो कुछ बाहर के नज़ारे, दिस इज कनाडा, जा रहे हैं बाहर। अभी देखो इंडिया जैसे ही लगता है, थोड़ा बहुत बस है, अभी इंग्लिश वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, बाकी देखो कनाडा के जैसे। ये ट्रेन का अंदर का नज़ारा देखो, ट्रेन भी पूरी हवाई जहाज़ की तरह है। ये सेकंड फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे देखो वो ग्राउंड फ्लोर, वहाँ भी लोग बैठे हैं। तो दिस इज़ द ट्रेन जर्नी। और ये हम आ गए हैं यूनियन स्टेशन टोरंटो पे। एग्जैक्टली देखिए मेन स्टेशन है, अब यहाँ से निकलेंगे सीधा बाहर। ये देखिए कितना ही ह्यूज स्टेशन है, साइकिल लेके जा रहे हैं, थक तो हम बहुत गए हैं, सांस पूरा चढ़ गया है। नाउ लेट्स सी, ये जा रहे हैं हम बाहर, अभी आपको दिखाते हैं बाहर का एक तरीके की स्वर्ग का नज़ारा। ये देखिए, हियर इट इज़ टोरंटो बेबी। चलिए अब शुरू करते हैं राइड, और आपको बताते हैं अगर कोई ट्रिप आता है कैसे आएगा, कैसे करना है। एंड वो देखिए सीएन टावर। हाँ जी, तो देखो हम चला रहे हैं स्कूटर और बहुत ही अच्छे एक मैदान में से जा रहे हैं डिलीवरी करने। ऐसी होती है टोरंटो में ऊबर डिलीवरी बाइक के ऊपर, ये जा रहे हैं हम, देखो आगे आगे जा ही जा रहे हैं। और देखो कितना ही अच्छा है कि यहाँ पे एक नज़ारा है, कि यहाँ पे नज़ारा है, अभी मुझे पता नहीं कहाँ। हाँ जी, तो ये चल रहे हैं हम ट्रैक के ऊपर, वहाँ देखिए कितनी अच्छी बिल्डिंग है, इधर भी पार्क है, पीछे देखिए सीएन टावर अगर आप देख पा रहे होंगे। एकदम पुल पर जा रहे हैं हम, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, हमारी गाड़ी भी देखो दौड़ रही है, पर ख़त्म होने को आई हुई है अभी, बस चल रही है। चलो आगे आगे जा रहे हैं हम, आगे जाके डिलीवरी करेंगे और आपको आगे जाकर दिखाते हैं। हाँ जी, तो देखो अभी हम डिलीवरी कर रहे हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं देखो, एक बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, आइए आपको मिलाते हैं बाबा जी से। बाबा जी की करते पे जी, और देखो बाबा की करता, पढ़ता पे है, ये भी पढ़ाकू ही है बंदा। तो अभी देखो हम यहीं पे खड़े थे, डिलीवरी कर रहे हैं, साइकिल हमारी वो खड़ी है वहाँ पे, तो डिलीवरी तो काफ़ी कर ली है, थक भी काफ़ी गए हैं। चलिए आगे चल कर देखते हैं, आपको थोड़े और दर्शन दिखाते हैं टोरंटो, ये क्या होता है, डाउनटाउन टोरंटो के। सो बने रहिएगा वीडियो में एंड।
हाँ जी, तो अभी हम जा रहे थे और इसकी हो गई बैटरी बंद। अभी तो कुछ ऑलमोस्ट $60 ही बने थे। अभी हम यहाँ पर हैं, देखिए CN टावर के बिल्कुल नीचे यहीं पे जा रहे हैं। बैटरी होगी इसकी बंद। अब देखते हैं इसकी कोई जगह मिलती है कहीं चार्ज करने को तो चार्ज करते हैं, वरना गेम ओवर, ख़त्म कहानी। तो ये देखो अभी हम खड़े हैं बिल्कुल CN टावर के नीचे। ये एक्वेरियम इधर, और इधर देखो कुछ लोग पंगे शंगे ले रहे हैं। ये कुछ पुराने इंजन वगैरह खड़े हैं, स्टीम इंजन कनाडा रेल के, और हमारा तो बच गया है नाश। है कुछ नहीं, ये टोरंटो CN टावर, रॉजर सेंटर एंड दैट्स इट। अपनी तो होगी कहानी बंद। हाँ जी, तो अभी हम जो सफ़र है अपना ख़त्म कर चुके हैं टोरंटो का। साइकिल मेरी हो गई थी बैटरी की डेड, तो मुझ में भी तो कोई ख़ास हिम्मत बची नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। उधर थी मुझे एक फ्रेंड की कॉल आ गई और वो यहीं पे आया हुआ था, तो मैं उसके साथ अब कार में वापस जा रहा हूँ ब्रैम्पटन को। थकावट बहुत तो ज़्यादा हो गई और पैसे बगैर कुछ कहीं ख़ास बने नहीं हैं। $70 मेरे ख्याल से ना $60 बने हैं, $10 का मेरा पहले खर्चा भी डल गया टिकट वगैरह का, तो $50 ही ऑलमोस्ट कमाई हुई है। तो कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बट है अभी चलो टाइम पास हो गया, आगे कर लिया कुछ ना कुछ। बस बात ये रही, बाकी अब थक गए हैं, बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अब चल जा रहा हूँ मैं घर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए शक्ल पे मत जाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।